नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज स्टेजेस ऑफ कम्बस्चन इन एसआई इंजन। दोस्तों स्पार्क इग्निशन इंजन में कम्बस्चन में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से समझेंगे। तो स्टेजेस ऑफ कम्बस्चन दोस्तों, इग्निशन लैग, प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम एंड आफ्टर बर्निंग, ये तीन जो स्टेप्स हैं, ये थ्री स्टेज मेजर स्टेजेस होती हैं जो एसआई इंजन के कम्बस्चन के दौरान पाई जाती हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरेटिकल प्रेशर क्रैंक एंगल डायग्राम, जिसको हम पी थीटा डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो मींस एक्चुअल में कम्बस्चन स्टेजेस अलग होती हैं और जो थ्योरेटिकली हम बात करते हैं वो कम्बस्चन स्टेजेस अलग होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थ्योरेटिकली जानेंगे, थ्योरेटिकली कम्बस्चन स्टेज एसआई इंजन में कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं, जो हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, पेट्रोल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन में सबसे पहले जैसे कि हम बात करें, पिस्टन का जब मूवमेंट होता है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर 0 से 180 डिग्री, तो यहां पे क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, जो कि आप सभी जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कंप्रेशन प्रक्रिया होती है। सक्शन हम थ्योरेटिकली कहां पे लेते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे लेते हैं। तो यहां पे जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन में हम जानते हैं प्रेशर क्या है, इंक्रीज होता जाता है, और पिस्टन का मूवमेंट आपका बॉटम से किस ओर रहता है, टॉप डेड सेंटर की ओर होता है। जैसे कि इस थ्योरेटिकल डायग्राम में ए से बी तक जो लाइन दिखा रही है, दिस इज अ कंप्रेशन प्रोसेस या कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन में क्या होता है, जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है, चार्ज होता है, ये हमारा सिलेंडर के अंदर क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और पिस्टन मूव कर रही है बॉटम से कहां की ओर, टॉप डेड सेंटर की ओर। तो आफ्टर कंप्रेशन क्या होता है, जैसे कंप्रेशन एंड होता है और स्पार्क प्लग जो है स्पार्क क्रिएट करता है, स्पार्क प्रोड्यूस करता है। तो जैसे स्पार्क प्रोड्यूस होती है तो हमारी जो कंबस्टन प्रक्रिया है, कंबस्टन है चार्ज का, ये स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे कि आप बी से सी तक देख पा रहे हैं इस ग्राफ में, जो कंबस्टन प्रोसेस होती है, कंबस्टन में सडनली आपका प्रेशर इंक्रीज हुआ बी से लेके सी तक, क्योंकि ड्यूरिंग कंबस्टन, कंबस्टन के दौरान। तो जब हमारा यहां पे दाब बढ़ेगा, क्योंकि फ्यूल जल रहा है, चार्ज जल रहा है, तो दाब आपका इंक्रीज बी से सी तक होगा और पिस्टन कहां पे है, टीडीसी। तो जैसे हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम क्या होता है, हीट सप्लाई लेते हैं, हीट एडिशन मानते हैं थ्योरेटिकली, तो यहां पे क्या होता है, सी पॉइंट पे जो हमारा प्रेशर होता है मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम प्रेशर होता है पॉइंट सी। इसके बाद जैसे कंबस्टन कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट जो स्ट्रोक आता है वो है एक्सपांशन। तो हम जानते हैं ड्यूरिंग एक्सपांशन जो पिस्टन है, पिस्टन का मूवमेंट अगेन हमारा टॉप से किस ओर होता है, बॉटम डेड सेंटर की ओर। तो पिस्टन जैसे टॉप से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करेगी तो क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जिसके कारण हमारा जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाता है और वर्क प्रोड्यूस होता है एक्सपांशन के दौरान, वर्क जनरेट होता है। तो थ्योरेटिकली जो स्टेजेस होती हैं एसआई इंजन में कंबस्टन की, वो इस प्रकार से होती हैं। ये थ्योरेटिकल डायग्राम है, और एक्चुअल में क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। तो यहां पे क्रैंक एंगल डिग्री में है थीटा, जैसे कि आप लें क्रैंक का रोटेशन, कि इन तीन प्रोसेस में कितना रोटेशन हो रहा है, 0 से 180, 180 के बाद आपका 360। तो ये जो डायग्राम है ये क्या कहलाता है, थ्योरेटिकल प्रेशर क्रैंक एंगल डायग्राम। अब हम बात करेंगे एक्चुअल कम्बस्टन की, कि हमारा एक्चुअल जो कम्बस्टन स्टेजेस होती हैं, इसमें पेट्रोल इंजन या एसआई इंजन के अंदर, स्पार्क इग्निशन इंजन के अंदर, तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, जिसमें दोस्तों वर्टिकल एक्सिस हम प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड नीचे आपका थीटा या क्रैंक एंगल को शो कर रहा है, और इसको हम पी थीटा डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पे दोस्तों जो कि इसकी स्टेजेस हैं ए बी सी डी,
ये हमको इसमें फोर पॉइंट मिल रहे हैं। इन फोर पॉइंट्स में जो हमारी स्टेजेस हैं पेट्रोल इंजन में कंबस्टन के दौरान, तीन स्टेज होती हैं। सबसे पहली होती है प्रीप्रेशन फेस, जिसको हम इग्निशन लेग के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे कि स्टेज फर्स्ट है इग्निशन लेग, स्टेज सेकंड है प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम, और स्टेज थर्ड होती है आफ्टर बर्निंग। आफ्टर बर्निंग ये मेनली तीन स्टेजेस हैं जो कि ऐसा ही इंजन के कंबस्टन के दौरान बनती हैं। तो वन बाई वन हम इसको देखेंगे। सबसे पहले यदि दोस्तों हम बात करें तो जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा स्पार्क कहलाता है। पॉइंट ए स्पार्क है, और ए से बी जो है ए बी, ये कहलाती है इग्निशन लेग। तो स्पार्क का मतलब होता है कि जैसे हमारी फर्स्ट स्पार्क क्रिएट होती है तो तुरंत ही फ्यूल नहीं जलता है, तुरंत ही फ्यूल आग नहीं पकड़ लेता है। तो स्पार्क होने के बाद जो टाइम इंटरवल लगता है कंबस्टन शुरू होने में, कंबस्टन प्रारंभ होने में, तो इस दौरान जो समय लगता है इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, इग्निशन लेग या प्रीपेशन ऑफ फेसेस। फर्स्ट जो आपकी स्टेज होगी वो है स्टेज फर्स्ट ए से लेके बी तक, जिसको जो टाइम होता है बिटवीन स्पार्क एंड स्टार्टिंग ऑफ कंबस्टन, इस दौरान में जितना समय लगता है आग पकड़ने के लिए, कंबस्टन शुरू होने के लिए, ये जो फेस कहलाता है इसमें कुछ सेकंड का टाइम लगता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने जैसे आपकी स्पार्क जनरेट हुई तुरंत कंबस्टन स्टार्ट हो गया, संभव नहीं है। दैट रिक्वायर्ड सम टाइम फॉर प्रॉपर कंबस्टन। तो यहां से जो ए से बी है ये तो स्पार्किंग स्टार्टिंग है, ए पॉइंट से स्पार्किंग जो है वो प्रारंभ होती है, और जो ए से बी तक है, बी तक पहुंचने के बाद हमारा प्रॉपर कंबस्टन स्टार्ट होता है और हमारा जो फ्यूल है वो आग पकड़ना चालू करता है चार्ज। ठीक, तो ए से बी के दौरान जितना समय लगता है उस समय को हम क्या बोलते हैं, इस टाइम इंटरवल को इग्निशन लेग बोलते हैं। अब बी से सी की बात करेंगे, तो बी से सी, जैसे कि आपको मालूम है बी से सी जो प्रोसेस है ये है प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम। तो मींस बी से हमारा कंबस्टन स्टार्ट होता है, और जैसे कंबस्टन स्टार्ट होगा तो जो प्रेशर है, प्रेशर आपका इंक्रीज होता है अप टू पॉइंट सी, मींस प्रेशर बढ़ता जाएगा क्योंकि आपका फ्यूल का कंबस्टन स्टार्ट हो गया है बी से लेके और कंबस्टन एंड हो रहा है पॉइंट सी पे। तो जो पॉइंट सी है दिस इज अ पीक प्रेशर इन द सिलेंडर। तो ये क्या है, आफ्टर टीडीसी भी जा रहा है। तो मींस जो बी सी होती है प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम होता है, इस दौरान हमारा जो चार्ज होता है उस चार्ज का प्रॉपर कंबस्टन होता है। तो बी पॉइंट से कंबस्टन स्टार्ट हो जाता है, आग पकड़ लेता है, और एक कब तक चलता है अप टू सी तक। इतने में हमारा जो क्रैंक का रोटेशन है वो भी तो चलता रहेगा क्योंकि स्टॉप तो होता नहीं है। तो यहां से हमारे बी से सी आपकी जो क्रैंक है रोटेट करके आपकी नेक्स्ट टीडीसी को क्रॉस कर जाएगी। तो जो हमें प्रेशर एंड टेम्परेचर मिल रहा है वो इस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम होता है। सी पॉइंट इज द पीक पॉइंट। तो जैसे आपकी ये प्रोपगेशन ऑफ फ्लेम है ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो है प्रोसेस सी डी, और ये हमारी क्या कहलाती है, आफ्टर बर्निंग। आफ्टर बर्निंग का मतलब दोस्तों है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे कंबस्टन स्टार्ट होता है इसके बाद एक्सपांशन होता है। एक्सपांशन में क्या होता है कि पिस्टन मूव करती है तो प्रेशर तो क्या है, रिड्यूस होगा, क्योंकि ड्यू टू एक्सपांशन प्रेशर क्या होगा, घटेगा, ड्रॉप होगा, क्योंकि पिस्टन नीचे आ रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यहां पे हमारा क्या है, लाइन जो इंडिकेट कर रही है प्रेशर तो कम हो रहा है, लेकिन जो एक्सपांशन होता है सी से डी तक, तो ये जो एक्सपांशन है इस दौरान भी क्या होता है, हमारा कंबस्टन चलता रहता है। यदि हम एक्चुअल में बात करें सिलेंडर के अंदर, तो सिलेंडर के अंदर सी के बाद भी हमारा क्या होता है, कंबस्टन चलता है ड्यूरिंग एक्सपांशन। एक्सपांशन के दौरान पूरे सिलेंडर में आग फैल जाएगी सडनली, वो पिस्टन को फोर्स करेगी जिससे पिस्टन आपकी डाउन मूव करेगी टॉप से बॉटम की ओर और बर्क को जनरेट करती है। तो जो सी और डी है ये है आफ्टर बर्निंग प्रोसेस। इस तरह से दोस्तों जो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है इसमें कंबस्टन कंप्लीट होता है, इस तरह से बर्क होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है
कि जो कम्बस्टन की स्टेज है, पेट्रोल इंजन है, तो पेट्रोल इंजन में हमारा क्या रहता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर इंटर करता है, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर इंटर करता है पेट्रोल इंजन में, लेकिन डीजल इंजन में ओनली एयर इंटर करती है। तो इन दोनों के डायग्राम हमको एक जैसे दिखेंगे, बट इसमें क्या होता है, जो इसके स्टेज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। साथ ही इसमें जो बी के बाद हमारा जो कर्व टर्न हो रहा है, इसको मोटरिंग कर्व बोलते हैं। ये मोटरिंग कर्व है जो कि आप हम देखेंगे थ्योरेटिकल, तो बी के बाद सीधा आप कम्बस्टन के बाद एक्सपेंशन में प्रेशर ड्रॉप होगा और पिस्टन का मूवमेंट टॉप से हमारा बॉटम की ओर हो रहा है। क्लियर? तो इस तरह से जो स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन होते हैं, उसमें कम्बस्टन की स्टेजेस होती हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है फर्स्ट इग्निशन लेग। इग्निशन लेग को ही हम प्रिपरेशन फेज के नाम से भी जानते हैं, इग्निशन लेग आल्सो नोन एज फेज ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज होती है सेकंड, वो प्रोपगेशन ऑफ फ्लेम, और थर्ड स्टेज होती है आफ्टर बर्निंग। ओके, थैंक यू।